कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? द हिंदू पढ़ना चाहिए और कोई नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए द हिंदू बेस्ट पेपर है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं कोई यूपीएससी का, द हिंदू पढ़ना मैंडेटरी है। द हिंदू जरूर पढ़ना पड़ेगा अगर सिविल सर्विसेज आपको देना है। और हिंदू पेपर को याद नहीं करना होता है, सिर्फ हमको रीड करना होता है कि पेपर देते समय हमें पता लगे कि ऐसा कुछ न्यूज़ में चल रहा था पूरे साल में, सिर्फ इतना पर्पस होता है। और हिंदू पेपर में भी सिर्फ चार पेज पढ़ने चाहिए, पहला, लास्ट, वर्ल्ड एंड न्यूज़, चार पेज, पहला पेज, लास्ट पेज। लास्ट पेज में स्पोर्ट्स अगर आए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में स्पोर्ट्स नहीं आते। लास्ट 6-7 साल का पेपर उठा के देखो, स्पोर्ट्स नहीं पूछा गया। आप क्या पढ़ते हो? स्पोर्ट्स पढ़ते हो, यही गड़बड़। क्या एग्जाम में आता है क्या नहीं आता उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख के पता लगता है। प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा करो, चाहे गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, पेपर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने चाहिए, 19, 18, 17, 16, 15, ताकि जो करंट ट्रेंड है पेपर का वो पहले पता लगे। अगर तुम सन 2000 से चलना शुरू करोगे तो बहुत सारे टॉपिक पहले आते थे, अब नहीं आते। कोई तुम टेक्निकल उठा के देख लो, 1995 का पेपर लगा रहे थे, कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो 10 साल में पिछले आए ही नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि पेपर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, करंट चीज़ को पहले एनालाइज करें, उसको पहले सॉल्व करें, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं पेपर के बारे में, द हिंदू पेपर में चार पेज पढ़ने होते हैं।